भीषण चक्रवाती तूफान फानी ने अब भयंकर रूप धारण कर लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान फानी के 3 मई को पुरी के दक्षिण में गोपालपुर और चांदबाली के बीच ओडिशा तट पर दस्तक देने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे से 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने की संभावना है। इसे लेकर ओडिशा के कुछ हिस्सों में येलो और कुछ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं और तटीय जिलों में रह रहे 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकालीन बैठक की है। वहीं इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु और पांडिचेरी में भी दिख सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी के किसानों के लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि प्रदेश में 2 और 3 मई को तेज हवा और बारिश की संभावनाएं जताई गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही इन राज्यों में आंधी और बिजली के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। 3 मई के लिए भी उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। बड़े पैमाने पर सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की छुट्टियां 15 मई तक रद्द कर दी गई है। साथ ही पुलिस कर्मी जो छुट्टी पर हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। चक्रवाती तूफान भारत के दक्षिण तट के लगभग करीब पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है। 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। फानी तूफान के चलते ओडिशा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को घरों में बंद रहने की सलाह दी है। हेडलाइंस इंडिया की तरफ से भी आप सभी को ये गुजारिश है कि जब तक फानी तूफान गुजर नहीं जाता, बाहर निकलने से बचें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें।